गुप्ता बाजी, क्या आप मुझे अपनी बहन नहीं समझती? भाई देखे ना, आपका दुख मेरा दुख, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। अब बताएं मसला क्या है? फरजाना मुझे कोई बदरू तंग करती है। बदरू? मैं सो रही होती हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे आके मेरा गला दबा रही। मुझे लगता है आप पर ना कोई साया हो गया है। नहीं है कोई साया वाया मुझ पे। अरे चले, मैं आपको ना एक आमिर बाबा के पास ले जाती हूँ, पता है वो बहुत माहिर है जिन भूत निकालने में। मैंने नहीं जाना किसी के पास। अरे चले तो सही, सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। लेकिन मेरा मसला? अरे सब चुटकियों में हल हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत माहिर आदमी है। चले ना, चले शगुफ्ता बाजी, सारे मसले हल हो जाएंगे, मान ले मेरी बात। चल ठीक है, कल चलेंगे, तो कहती है तो कल चलेंगे। कितने तक का जहेज है? सर 3 से 20 लाख रुपए के बीच में हम आपको जहेज दे सकते हैं। आपको जो सामान चाहिए मुझे उसकी लिस्ट दे दें आप। पेमेंट का तरीका क्या होता है? सर मैं टोटल अमाउंट देख के ही आपको बता सकता हूँ, 10 से 25 हजार के दरमियान ही आपकी किस्त बनेगी। अच्छा, इसमें इसका तरीका कार क्या है? इसमें सूद तो शामिल नहीं है ना? नहीं नहीं सर, सूद बिल्कुल नहीं। तो अच्छी बात है, तो फिर शरायत क्या होगी? 5 लाख रुपए तक का आपका सामान बन रहा, इसकी माना किस्त 15 हजार होगी। किस्त कोई कम नहीं हो सकती? जी नहीं सर, वैसे ही हम आप जैसे लोगों को बहुत फेवर दे रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, फिर ये सामान हमें दे दें। एड्रेस तो आपका आ गया हमारे पास, हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर आपके एड्रेस पे आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपको आपका सामान मिल जाएगा सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। आओ। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे आपसे कुछ बात करना थी। कैसे हैं मान साहब आप? परफेक्ट सर। जी फरमाइए। सर वो मिस माहम की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि उनको उनकी पे एक हफ्ता पहले चाहिए, क्योंकि सर उनकी सिस्टर की शादी है और कुछ लोन भी। अभी उन्हें जॉब करते हुए 1 महीना हुआ नहीं और वो तनख्वाह मांगने बैठ गई। पहले अपनी जॉब तो अच्छी तरह कर लें, उसके बाद पैसों की डिमांड करें। सर उन्होंने तो अभी सिर्फ पूछा है, लेकिन अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं तो मैं उनको इनकार कर दूँगा। हाँ ठीक है, आप उन्हें कह दीजिए कि हम सैलरी जो है 1 महीने के बाद ही देंगे। अगर मैं इस तरह बांटने बैठ जाऊं तो चला ली मैंने अकेडमी। और हमारे साथ तो कोई और काम? थैंक यू।